हेलो दोस्तों, आप ये मिठाई देखकर बिल्कुल बता नहीं सकते कि ये मिठाई मैंने किस चीज़ से बनाई है। आप एक बार बना के खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये मिठाई हम फूल गोभी से बना रहे हैं, तो मैंने इसके लिए आधा किलो फूल गोभी को धो के रख लिया है। मोटे मोटे पीस में कर लिया इसको। अब हम गोभी को हल्का हल्का उबालेंगे, तो मैंने एक पतीले में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम गोभी को इसमें डाल देंगे और इसको हल्का हल्का उबाल लेंगे। हमने गोभी को हल्का हल्का उबाल लिया, ये अच्छे से कट रही है, ये गल गई है अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको इस अलग निकाल लेंगे। हमारी गोभी ठंडी हो गई है। अब हम मिक्सी के जाल में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने गोभी का पेस्ट बनाकर रख लिया है। अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और मैंने इसमें एक चम्मच घी डाल दिए। अब घी को मेल्ट होने देते हैं। हमारा घी मेल्ट हो गया है और हमने जो गोभी का पेस्ट बनाया था हम उसको डाल देंगे और एक मिनट तक हम ऐसे एक घी में पका लेंगे इसको। हमने एक मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें एक गिलास दूध डाल दूंगी। आप दूध की जगह एक कटोरी मलाई भी डाल सकते हैं। अब हम टाइट होने तक इसको पकाएंगे। आप मीठा अपने मनपसंद से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से पकने देते हैं। इसको बिल्कुल टाइट होने तक पका लेंगे। हमारा मिक्सचर टाइट होने लग गया है। ये बिल्कुल मावे के जैसे लग रहा है, लग नहीं रहा है, गोभी है ये। अब मैंने एक कटोरी इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है। हम नारियल को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर के डाले हैं ताकि ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। आप बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं। हम मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिठाई आप एक बार ज़रूर बनाकर खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। लगेगा ही नहीं कि आप ये गोभी से बनाई मिठाई है। आप किसी और के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया इसमें। हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। हमारा मिक्सचर बिल्कुल टाइट हो गया है, ये कढ़ाई के भी नहीं चिपक रहा है। हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना है इसको। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देंगे। हमने मिक्सचर को ठंडे होने के लिए रख दिया था, तो ये ठंडा हो गया। आप चाहे तो बर्फ़ी की जगह ट्रे में जमा के इसको कट कर सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, आप जैसे चाहें इसकी मिठाई बना सकते हैं। मैं इसको गोल बनाकर कुकी कटर से डिजाइन से बनाऊंगी। आप किसी ढक्कन से भी बना सकते हैं। इस शेप में बनाएंगे तो ये मिठाई बहुत ही अच्छी दिखेगी। ऐसे हम बना बना के रखते जाएंगे। हमने दोबारा से भी दूसरा बना लिया। अब कुकी कटर से हम कट कर लेंगे इसको। आप कैसी भी शेप में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हम सारी मिठाई ऐसे बनाकर रख लेंगे। हमारी बहुत ही शानदार मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी से ये मिठाई बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी।